परेड लाइव देखी थी, सबसे फेवरेट मेरा सीन ये था कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इकट्ठे खड़े होके इस तरह ट्रॉफी लिफ्ट की थी वाम के सामने, वो एक गूज़बम्प्स था। और पीछे से एकदम से रोहित शर्मा ऋषभ पंत को आगे लेकर आते हैं, इस तरह उसको उसको क्या कहते हैं शोल्डर पे अप्रिशिएट करते हैं कि ये यही बंदे की वजह से भी हम लोग वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। कैप्टन हो तो रोहित शर्मा हो, जिसने हर एक बंदे को अप्रिशिएट करवाया। दिल्ली के अंदर जब उन्होंने लैंड किया है, सबसे पहले तो उनका जो उनको वाटर सल्यूट किया गया है, उनका तैयारा जैसे ही जा रहा था वहाँ पर उनको वहीं पर लैंड होते ही वाटर सल्यूट मिला। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में उन लोगों ने फुल भांगड़ा स्टाइल में भारत माँ की जय, ना सिर्फ हिस्ट्री का बल्कि फ्यूचर का भी 100 सालों का रिकॉर्ड इंडिया ने ब्रेक कर दिया है। ऐसा ग्रैंड वेलकम आप नहीं देखेंगे, ना ही आपके बच्चे देखेंगे। मैं पूरी इंडिया को मुबारकबाद देती हूँ। अर्जेंटीना जब मैच जीती थी वर्ल्ड कप फाइनल, वहाँ पे 2.5 लाख बंदा था और आम समझ रही थी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है। इंडिया के लिए जान भी हमारी हाजिर है। आज आप देखो कि इंडिया जब गया अपने वतन वापस, इतने लोग अपने वतन से भी प्यार करते हैं, अपने प्लेयरों से इतना प्यार करते हैं, वहाँ पे कोई 20-25 लाख बंदा खड़ा था, मानते हो? ये पाकिस्तानी, पाकिस्तान से 20-25 लाख बंदा इंतजार कर रहे थे आज जुतियां मारन। इंडिया जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आज पूरा मुंबई झूम उठा जो इंडिया ट्रॉफी लेके उनके सड़कों में निकला है। ओए होए 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 भाई, झूम बराबर हो गया। मैं तो कहता हूँ मुंबई सिटी के जो पुलिस वाले थे ना, उन लोगों ने अपने एक्स के ऊपर ना ट्वीट कर दिया था कि भाई थोड़ा संभल के रहना, पानी में ना कूद जाना। जितना इंडिया के मुंबई लोगों का जोश था ना, मुझे तो ये लग रहा था ये पानी में कूद ना जाए कहीं। उनका इस्तकबाल वगैरह उनका करना राइट बनता है, जाहिर सी बात है। वर्ल्ड कप 2 साल बाद आता है, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जीत के गए हैं तो फिर उनका इस्तकबाल करना तो बनता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रॉफी होगा या वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, सिर्फ इंडिया का होगा। पाकिस्तान, अच्छा वो उनके प्लेयर की बात सुनो, जीतने भी हमारे, देखो ना लाहौर में होगा, मुल्तान में होगा, ठीक है ना, रावलपिंडी में होगा, ठीक है ना, वो दलेर होते हैं। अच्छा, हमारे में तो दलेरी नहीं है यार, सबसे पहले जज्बा तो हम में ज्यादा नहीं है। जज्बे को तो छोड़ो, कौन जज्बे को तो हम अभी बोलते हैं कि मैं इंडिया को सुराख करूंगा, और लेकिन इसके लिए जिगरा होना चाहिए। ऐसे थोड़े होते यार, खाली कह दे रहे थे कहने में से तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी बोलते हैं, और लेकिन नीचे वाले जिंदगी हम थोड़ा गुजार रहे। इन्होंने बड़ी जो है ना वो बात की है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया इधर आएगा, वो ट्रॉफी लेके चला जाएगा पाकिस्तान से, मतलब घर में आके खेल के। और उन्होंने सर वो तगड़े प्लेयर हैं, वो डरते नहीं है। तो इस दफा हमारा होम ग्राउंड होगा, होम क्राउड होगा, होम क्राउड का एडवांटेज जरूर होगा। पूरी परेड लाइव देखी थी, सबसे फेवरेट मेरा सीन ये था कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इकट्ठे खड़े होके इस तरह ट्रॉफी लिफ्ट की थी वाम के सामने, वो एक गूज़बम्प्स था। और पीछे से एकदम से रोहित शर्मा ऋषभ पंत को आगे लेकर आते हैं, इस तरह उसको उसको क्या कहते हैं शोल्डर पे अप्रिशिएट करते हैं कि ये यही बंदे की वजह से भी हम लोग वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। कैप्टन हो तो रोहित शर्मा हो, जिसने हर एक बंदे को अप्रिशिएट करवाया। दिल्ली के अंदर जब उन्होंने लैंड किया है, सबसे पहले तो उनका जो उनको वाटर सल्यूट किया गया है, उनका तैयारा जैसे ही जा रहा था वहाँ पर उनको वहीं पर लैंड होते ही वाटर सल्यूट मिला। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में उन लोगों ने फुल भांगड़ा स्टाइल में उनका वेलकम किया, जिसमें पार्टिसिपेट किया सूर्य कुमार यादव ने भी और रोहित शर्मा ने भी और हार्दिक पांड्या ने भी, फुल वहाँ पर जुनून के साथ भंगड़ा करते हुए वो नजर आए। दो तस्वीरें आई थी पिछले वर्ल्ड कप में, जो लोग फाइनल में हारे थे तो वो उनको हौसला दे रहे थे, और अभी देखो उनको मतलब कंग्रेचुलेट करे तो ये एक स्ट्रगल है। जब हम देखें ना एक साल की स्ट्रगल देखें ना, तो मतलब स्ट्रगल उन्होंने की है और उन्होंने जीता है, और वो डिजर्व करते थे जिस तरह ओवरऑल उन्होंने मतलब प्ले किया है, और लोग निकले हैं उनके प्यार में। दैट इज समथिंग व्हाई हार्दिक पांड्या क्राइड व्हेन ही वॉन, दैट इज समथिंग व्हाई रोहित शर्मा एट द लैंड ऑफ बारबाडोस। मैं इंडिया जाके इंडिया के मैचेस देखूं, जय हिंद जय माता भारत माँ की जय, ना सिर्फ हिस्ट्री का बल्कि फ्यूचर का भी 100 सालों का रिकॉर्ड इंडिया ने ब्रेक कर दिया है। ऐसा ग्रैंड वेलकम आप नहीं देखेंगे, ना ही आपके बच्चे देखेंगे। मैं पूरी इंडिया को मुबारकबाद देती हूँ। अर्जेंटीना जब मैच जीती थी वर्ल्ड कप फाइनल, वहाँ पे 2.5 लाख बंदा था और आम समझ रही थी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है। इंडिया के लिए जान भी हमारी हाजिर है। आज आप देखो कि इंडिया जब गया अपने वतन वापस, इतने लोग अपने वतन से भी प्यार करते हैं, अपने प्लेयरों से इतना प्यार करते हैं, वहाँ पे कोई 20-25 लाख बंदा खड़ा था, मानते हो? ये पाकिस्तानी, पाकिस्तान से 20-25 लाख बंदा इंतजार कर रहे थे आज जुतियां मारन। इंडिया जिंदाबाद।
अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आज पूरा मुंबई झूम उठा है जो इंडिया ट्रॉफी लेके उनके सड़कों में निकला है तो। ओए, 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 भाई झूम बराबर हो गया। मैं तो कहता हूँ मुंबई सिटी के जो पुलिस वाले थे ना, उन लोगों ने अपने एक्स के ऊपर ना ट्वीट कर दिया था कि भाई थोड़ा संभल के रहना, पानी में ना कूद जाना। जितना इंडिया के मुंबई लोगों का जोश था ना, मुझे तो ये लग रहा था ये पानी में कूदना चाहिए कहीं, क्योंकि यार देखो अगर मैं भी होता ना, मैंने भी पानी में कूद रहा, मुझे कोई सहारा मिलता कहीं से। मैं रोहित शर्मा विराट कोहली को पास से होकर देखता यार। इवन कि आपने पिक्चर भी बड़ी वायरल हुई है जो लड़का दरख्त के ऊपर चढ़ के पास से रोहित शर्मा की तस्वीरें उतारा। यार क्रेज हो तो इतना क्रेज होना चाहिए भाई। अभी 20 लाख वाम निकले, मुझे तो लगता है इन लोगों ने अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो परेड हुई थी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज असल में पता चला है कि इंडिया ने क्या विन किया है। जो जीत, जो ट्रॉफी इंडिया ने बारबाडोस में उठाई थी, वो जब इंडिया में लैंड हुई है उसकी वैल्यू उस दिन पता चली है। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं मतलब यहाँ से वो ऐसे दिमाग मेरा कट के ऐसे ऊपर को चला गया कि क्या हुआ है। उन्होंने मेरे ख्याल से कोई मैच नहीं हारे वो। हाँ, बिल्कुल कोई मैच नहीं हारे। अनबीटन गए हैं, टोटल मैच वो जीते हैं। ठीक है, इसीलिए अच्छा। उनका इस्तकबाल वगैरह उनका करना राइट बनता है, जाहिर सी बात है। वर्ल्ड कप 2 साल बाद आता है, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जीत के गए हैं तो फिर उनका इस्तकबाल करना तो बनता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रॉफी होगा या वर्ल्ड कप होएगा, ठीक है, सिर्फ इंडिया का होगा। जितने भी हमारे देखो ना, लाहौर में होएगा, मुल्तान में होएगा, ठीक है ना, रावलपिंडी में होगा, ठीक है ना, वो दलेर होते हैं। अच्छा, हमारे में तो दलेरी नहीं है यार। सबसे पहले जज्बा तो हम में ज्यादा नहीं है, जज्बे को तो छोड़ो, कहना जज्बे को तो हम अभी बोलते हैं कि मैं इंडिया को सुराख करूंगा, और लेकिन इसके लिए जिगरा होना चाहिए। ऐसे थोड़े होते यार, खाली कह दे रहे थे कहने में से तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी बोलते हैं, लेकिन नीचे वाले जिंदगी हम थोड़ा गुजार रहे हैं। इन्होंने बड़ी जो है ना वो बात की है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया इधर आएगा, वो ट्रॉफी लेके चला जाएगा पाकिस्तान से, मतलब घर में आके खेल के। और उन्होंने सर वो तगड़े प्लेयर है, वो डरते नहीं है। तो इस दफा हमारा होम ग्राउंड होगा, होम क्राउड होगा, होम क्राउड का एडवांटेज जरूर होगा, लेकिन वही बात आती है कि अगर ये हमारे प्लेयर भी जेन्युइन क्रिकेट खेलें तो वो किसी से कम प्रेशर नहीं में ना आए। ये उमर भाई वाली बात है कि हम लोग जो है ना, वही बात है कि नीचे लगे हुए हैं। वो तो देखे ना, विनिंग टीम है ना, वर्ल्ड कप जीत के आई है, जाहिर है मुल्क को इस्तकबाल करना चाहिए, ये करना तो वेलकम करना चाहिए, ये तो राइट है उनका। अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान के साथ होती तो सभी इधर भी ऐसे ही होता। पाकिस्तान में सुन लो, जो आपने वर्ल्ड कप नहीं देखा था, जो अमेरिके में होता था, उसका चेयरमैन क्या कर रहा था, इस तरह का इशारे कर रहा था, इंडिया के चेयरमैन जी, इंडिया का क्या वो, उसका मतलब क्या था? वो उसका मतलब एक था कि डॉलर कितना चाहिए तुम्हें। अच्छा, साउथ अफ्रीका और जो इंडिया का फाइनल था, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, जरा बताए ना आप भी। मैं तो अगर जाती तौर पे देखा जाए तो मैं साउथ अफ्रीका के साथ था। क्योंकि क्या रीजन है? उसकी वजह ये थी कि इंडिया तो बहुत दफा जीत चुका है। अच्छा, साउथ अफ्रीका नहीं जीता। नहीं, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का अगर मैच होता उसमें भी तो ये था ना, पाकिस्तान पहले जीत चुका है तो साउथ अफ्रीका नहीं जीता। पाकिस्तान के साथ था। अच्छा, अगर हाँ, पाकिस्तान में कभी भी इंसाफ नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, कभी भी नहीं आएगा। अगर इस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आएगा ना, वो भी नहीं लाएगा, क्योंकि ये लोग जाहिल हो चुका है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से उन्होंने इतनी मेहनत की है, 17 साल उन्होंने इंतजार किया और फाइनली रोहित शर्मा ने इस चीज को यकीनी बनाया कि दैट ही वॉन इट, और एक्चुअल में वो उसको लेकर आए। और जब लैंड हुआ है ना, तो मतलब सब ने देखा, संसार ने देखा है, 107 मुल्कों ने देखा है, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। मरीन सिटी के पास ये लोग, मरीन एरिया के पास है, जब गुजर रहे तो मुझे तो डर लगा, मैं लाइव खुद देख रहा था कि यार ये लोग कहीं, इनकी आवाम इतनी पागल है, ये कहीं पानी के अंदर ना गिर जाए। अच्छा। और इतना क्रेज तो बनता है, इतना क्रेज तो बनता है जब आपके मुल्क के अंदर 17 साल के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ रही है, तो इतना क्रेज तो डिजर्व करते ही है इंडिया। 107 कंट्रीज के अंदर जो है वो देखी गई ये परेड लाइव, और आप देखें कि हर कंट्री में आप हर स्पोर्ट्स का प्यार पाया जाता है, लेकिन क्रिकेट का ये प्यार हिस्ट्री ने कभी नहीं देखा। एक नया रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है और अनबिलीवेबल, मैं कहूँगी कि इंडिया ने जो अचीव किया वो तो अनबिलीवेबल है, लेकिन जिस तरह से इंडियंस ने रिस्पॉन्ड किया वो तो माइंड ब्लोइंग है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे भारत ने वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मुंबई में विक्ट्री परेड लगाई, जहाँ पर सैकड़ों के लोग उनको वेलकम करने आए, और इस वेलकम को देखकर पाकिस्तान के लोग शॉक में चले गए, जहाँ पर इतने सारे लोग मरीन ड्राइव के ऊपर भारतीय टीम का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही भारतीय टीम उनके बीच आई तो वो उनके नाम को चेयर करते हुए टीम बस के पीछे पीछे भाग रहे थे। इतने लोगों को इंतजार था कि भारत
वर्ल्ड कप जीत कर आएगा और हम उनको वेलकम करेंगे, पर पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमारी टीम वर्ल्ड कप कब जीतेगी और हम ऐसी परेड पाकिस्तान में कब देखने को मिलेगी, जहां पर अब ये बातें भी शुरू हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने वाली है, वो भी भारत पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को हराएगा और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत लेकर जाएगा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।